माजरा का पटवारी है, रिकॉर्ड के मुताबिक यहां पर बंदोबस्त सेटलमेंट 1928 में हुआ और उसकी कंसोलिडेशन 1900 में हुई। बाकी जगह सेटलमेंट के जो की गई है जमीन की, वो समय समय पर कुल्लू में चल रही है। यहां पर कब होगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन पोंटा की रिकॉर्ड के मुताबिक अभी वही है जो 1928 का सेटलमेंट। गांव वालों की जानकारी से हमें बताया गया, ये जो कुंदन का जो परिवार है, इनके बुजुर्गों को यहां पर लोगों ने बसाया था, वो जाति से चमार थे और चमड़े के कारोबार करने के लिए गांव वालों ने गांव के साथ उनको जमीन दी। जो बिजली का मीटर लगा है उनके घर पर, जो वन विभाग वाले निकाल के ले गए हैं, उसकी एग्जैक्ट तिथि अभी मिली नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है लगभग 35 साल पहले वो बिजली का मीटर लगाया था। जिसका मतलब यह है कि पिछले 35 वर्ष से सबूत है जो सरकार और सरकार के तंत्र के पास है कि कुंदन सिंह और उनका परिवार, एक बेटा उनका मिस्त्री का काम करता है, दूसरा बेटा छोटी मोटी प्राइवेट गाड़ी चलाता है। तो कानून क्या बोलता है ये भी हमें समझना है। हमारा जो भूमि के संबंध में कानून है, जिसे लैंड रेवेन्यू एक्ट कहते हैं, 1954 का ये बना है। ये क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंजाब का हिस्सा रहा है बनने के पहले, तो पहले यहां पर पंजाब का रेवेन्यू का कानून चलता था और हिमाचल के बनने के बाद उसी कानून को हमने अपनाया। उस कानून में एक सेक्शन इस प्रकार का है जिसमें हवाला किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता। पंजाब में क्या धारा थी मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन हमारे लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो 1954 का है, वो धारा 163, और उसमें यह लिखा गया कि कोई भी सरकारी भूमि पर बैठेगा, सरकार को उसको बेदखल करने का अधिकार है। उसी में यह कहा गया है